दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग ऐसे पांच बहुत ही कमाल के मोबाइल फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी करने वाले हैं, जिसमें से मैं आप लोग को बताऊंगा कि कैसे आप लोग अपने खुद के ही फोन से इस तरह का एक मैजिकल वीडियो बना सकते हो। आप लोगों को कोई भी प्रोफेशनल कैमरा या फिर कोई भी प्रोफेशनल एडिटिंग सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। उसी के साथ साथ मैं आज आप लोग को बहुत सारी फोटोग्राफी भी बताने वाला हूँ, जिसमें कुछ मैनिपुलेशन टाइप की फोटोग्राफी होगी एंड कुछ क्रिएटिव फोटोग्राफी होगी। एंड आई नो, मुझे ये भी पता है कि फोटो क्लिक करने के बाद आप लोग की फोटो इतनी अच्छी नहीं आती है, तो उसके लिए मैंने आप लोग के लिए ये वीडियो में बहुत सारा प्रीसेट भी दे रखा है बिल्कुल फ्री में। तो यार, वीडियो के एंड तक तो जरूर से देखना। सो आप लोग का मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुरू करते हैं सबसे पहले पोज एंड टिप्स की तरफ। अब सबसे पहले पोज में मैंने आप लोग के लिए क्रिएटिव मैनिपुलेशन टाइप की फोटोग्राफी करी है, एंड आई होप आप लोग को ये कॉन्सेप्ट में बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो किस तरह से शूट करना है, सबसे पहले आप लोग को एक आयरन ले लेना है एंड आप लोग को ये फोटो को दो बार क्लिक करना है। तो जो सबसे पहला हम लोग फोटो क्लिक करेंगे, उसमें जो मॉडल रहेगा वो सिंपली जमीन पर लेट कर कुछ इस तरह से पोज देगा। एंड फोटो क्लिक करते वक्त एक बात का ध्यान देना, जो फोन के अंदर फ्रेम बन रहा है वो फ्रेम हमें अपने माइंड में रखना है कि मैंने यही लोकेशन पर फोटो को क्लिक करा था, ताकि जो दूसरा फोटो हम लोग क्लिक करें उसको भी यही फ्रेम पर हमें क्लिक करना होगा। ठीक है, तो पहला फोटो हम क्लिक कर लेते हैं। अब फोटो क्लिक करने के बाद मॉडल के पैर के नीचे मैंने कोई सा भी एक सामान रख दिया, ताकि बाद में मुझे पता चले कि मॉडल यहीं पर लेटा हुआ था। देन उसके बाद वो जींस को वही लोकेशन पर मैंने रख दिया, एंड जो मॉडल रहेगा उसको कपड़े वगैरह चेंज कर लेना है एंड हाथ में आयरन लेते हुए कुछ इस तरह से पोज देना है। एंड जैसा कि मैंने पहले आप लोग को बताया था कि आप लोग को फ्रेम माइंड में रखना है कि पहले हमने कहां पर फोटो को क्लिक करा था, तो बिल्कुल वही सेम फ्रेम बनाते हुए सेकंड फोटो भी हमें क्लिक कर लेना है। सो गाइस, फोटो को कर लेते हैं क्लिक। अब ये दोनों फोटो क्लिक करने के बाद आप लोग को ये दोनों फोटो को मर्ज कर लेना है। एंड अगर आप लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो एंड अभी तक आप लोग को मर्ज करने नहीं आता, तो क्या कर रहे हो भाई यार, बहुत आसान है मर्ज करना। आप लोगों को सिंपली पहली फोटो को रखना होता है, उसके बाद ऐड फोटो में जाके दूसरी फोटो को ऐड करना होता है, एंड इरेजर पर जाकर वहां पर हमें इरेज करना होता है जहां पर हमें दूसरी वाली फोटो चाहिए रहती है। तो बहुत आसान है मर्ज करना, अगर आपको नहीं आता तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। एंड मर्ज करने के बाद आप लोग की फोटो बहुत ही ज्यादा कूल एंड बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव लग रही है। आप लोगों को कैसी लग रही है ये फोटो, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बढ़ते हैं गाइस दूसरे पोज एंड टिप्स की तरफ। अब जो दूसरा पोज है वो मेरा फेवरेट पोज है, एंड वीडियो एंड होने के बाद मुझे आप लोग बताना इन पांचों में से आपका फेवरेट पोज कौन सा था। तो ये फोटो शूट करने के लिए सबसे पहले आप लोग को एक कड़ा ले लेना है, एंड आप लोग को एक टेबल या फिर बाल्टी टाइप में कोई सा भी सामान ले लेना है जहां पर मॉडल थोड़ी सी ऊंची जगह पर खड़ा हो सके, एंड वहां पर खड़ा होकर कुछ इस तरह से मॉडल को पोज देना है। उसके बाद जो हम लोग ने कड़ा लिए हुए थे उसको सिंपली मोबाइल के कैमरे के सामने रखते हुए कुछ इस तरीके से फ्रेम बनाते हुए हमें फोटो को क्लिक कर लेना है। एंड मेक श्योर आप लोग को ये फोटो को वाइड एंगल में क्लिक करना है। वाइड एंगल में क्या होता है, जो दूर का ऑब्जेक्ट है एंड जो पास का ऑब्जेक्ट है वो दोनों एकदम प्रॉपर फोकस में रहता है। सो गाइस, फोटो को कर लेते हैं क्लिक। सुपर्ब यार, फोटो बहुत ही कूल एंड बहुत ही अमेजिंग लग रही है। आप लोगों को कैसी लग रही है फोटो, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि भाई बंदा ऐसा कौन सा फोन यूज करता है जिससे इसकी फोटो इतनी क्लियर दिखती है। तो भाई मैं आप लोगों को बता दूं, फोटो कभी भी इतनी क्लियर नहीं आती, उसको बाद में कलर करेक्शन कलर रिटचिंग वगैरह करना पड़ता है। तो इतना लेंथी प्रोसेस तो मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, सिंपली मैं आप लोगों को एक प्रीसेट दे देता हूं जिसको आप लोग फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। तो यार, इतनी सारी चीजें मैं आप लोगों को फ्री में देता हूं, रिटर्न में यार आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। तो जितने लोग भी ये वीडियो को देख रहे हैं यार, प्लीज जाकर वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, इतना तो कर ही सकते हैं यार। ओके, सो अब आ जाते हैं हमारे तीसरे पोज एंड टिप्स की तरफ। अब तीसरे पोज में मैं आप लोगों को कुछ इस तरह का एक मैजिकल वीडियो बताने वाला हूँ। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था, भले से ये वीडियो देखने में काफी मुश्किल लग रहा हो, लेकिन यार मैं आप लोगों को बहुत आसान तरीका बताऊंगा इस तरह के वीडियो बनाने का। तो किस तरह से करना है एकदम ध्यान से देखना। सबसे पहले तो आप लोग को अपना फोन कहीं एक जगह स्टेबल कर देना है जहां से आप लोग का फोन जरा सा भी ना हिले। उसके बाद कुछ इस तरह का लोकेशन ढूंढना है जहां पर ऐसा दरवाजे का फ्रेम होता हो। उसके बाद वीडियो रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करना है, एंड स्टार्ट करने के बाद जिस तरीके से मॉडल एक्ट कर रहा है आप लोग को भी बिल्कुल इसी तरीके से एक्ट करते हुए वीडियो को रिकॉर्ड कर लेना है। एंड रिकॉर्ड करते वक्त एक बात का ध्यान देना, आप लोग का फोन जरा सा भी ना हिले। रिकॉर्ड करने के बाद वीडियो को ओपन करना है, एंड जहां पर मॉडल दरवाजे के अंदर गया था वहां का हमें स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद विटा ऐप के अंदर ये वीडियो को ओपन करना है, नीचे पीआईपी वाले फंक्शन पर जाना है एंड वही स्क्रीनशॉट ऐड कर लेना है।
देन जहाँ पर मॉडल दरवाजे के अंदर गया था वहाँ से हमें ये पीआईपी लेयर को स्टार्ट करना है। देन उसके बाद मास्क वाले ऑप्शन पर जाना है एंड यहाँ पर आप लोग को एक स्क्वायर वाला ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पर क्लिक करना है एंड दरवाजे का जो फ्रेम रहेगा उसको एकदम प्रॉपर तरीके से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद जो दरवाजे वाला क्रिएटिविटी थी वो ऑटोमेटिकली आप लोग की एडिट हो जाएगी। एंड वीडियो के लास्ट में मैंने एक और क्रिएटिविटी करी थी, तो उसको करने के लिए क्या करना है, जब मॉडल दरवाजे के अंदर जाएगा हमें वीडियो को स्प्लिट कर लेना है। स्प्लिट करने के बाद जब दूसरे वाले दरवाजे के अंदर जाएगा तो वहां पर भी हमें वीडियो को स्प्लिट कर लेना है। एंड अब बचा बीच वाला पार्ट, उसे हमें डिलीट कर देना है। अब डिलीट करने के बाद पूरा का पूरा वीडियो आप लोगों का एडिट हो जाएगा, आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा एडिटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो किस तरह से ये वीडियो बनेगा वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। बढ़ते हैं गाइस चौथे पोज एंड टिप्स की तरफ। अब चौथे पोज में मैंने आप लोग के लिए क्रिएटिव फोटोग्राफी करी है, किस तरह से शूट करना है एकदम ध्यान से देखना। सबसे पहले आप लोग को एक नारियल को बीच में से कट करके उसके दो टुकड़े कर देने हैं, एक टुकड़े को इस तरफ रखना है, दूसरे टुकड़े को उस तरफ रखना है। मॉडल जो रहेगा वो सिंपली थोड़ा सा दूर चला जाएगा एंड अपना दोनों हाथ कुछ इस तरीके से करते हुए पोज देगा। एंड ये फोटो को भी हमें लो एंगल से क्लिक करनी है एंड उसी के साथ साथ फोटो को हमें वाइड एंगल में क्लिक करना है। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि जब भी आप लोग फोटो को वाइड एंगल में क्लिक करते हो तो दूर का ऑब्जेक्ट एंड पास का ऑब्जेक्ट दोनों एकदम प्रॉपर फोकस में होता है। तो जब भी आप लोग को इस तरह का क्रिएटिव फोटो क्लिक करना हो तो हमेशा ट्राई करना कि वाइड एंगल पर ही क्लिक करो। सो गाइस फोटो को कर लेते हैं क्लिक। सुपर फोटो, बहुत ही कूल एंड बहुत ही अमेजिंग लग रही है। तो इस फोटो का भी मैंने आप लोग के लिए प्रीसेट बना रखा है जो कि आप लोग बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। तो यार वीडियो को लाइक कर देना अगर अभी तक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। ओके सो गाइस बढ़ते अब हमारे पांचवे पोज एंड टिप्स की तरफ। अब पांचवे टिप्स में मैंने आप लोग के लिए वीडियोग्राफी करी है एंड ये वीडियोग्राफी मैंने स्पेशल उन लोग के लिए करी है जो मतलब बाहर कहीं घूमने जाते हो और उन्हें एक ऐसा ट्रांजिशन टाइप में वीडियो बनाना हो कि मतलब पहले घर में हो उसके बाद दूसरे जो मोमेंट पे है वो बाहर कहीं अपने लोकेशन पर पहुंच जाए। तो उस तरह का मैंने एक ट्राई किया क्रिएटिव ट्रांजिशन वीडियो आप लोग के लिए बनाओ। किस तरह से बनाना है, सबसे पहले तो आप लोग को इंडोर शूट करना है यानी घर के अंदर। आप लोग को अपना मोबाइल जमीन पर रख देना है, उसके बाद वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना है एंड मॉडल सिंपली कुछ इस तरीके से वॉक करते हुए आएगा एंड अपना एक पैर मोबाइल के कैमरे के पास रखेगा एंड हमें वीडियो को पॉज कर देना है। यानी जैसे ही मॉडल अपना पैर मोबाइल के ऊपर रखेगा हमें वीडियो को पॉज कर देना है। पॉज करने के बाद हमें अपने लोकेशन पर आ जाना है यानी जहां पर भी आप घूमने जा रहे हो। एंड किस तरह से करना है, सिंपली मॉडल अपना पैर मोबाइल के कैमरे के पास रखेगा एंड सेम मोबाइल का पोजीशन पहले की तरह ही रखना है। अब जैसे मॉडल अपना पैर मोबाइल के कैमरे के पास रखेगा हमें वीडियो को प्ले कर देना है। अब प्ले करने के बाद सिंपली मॉडल कुछ इस तरीके से वॉक करेगा एंड हमें मोबाइल धीरे धीरे ऊपर लाते हुए कुछ इस तरीके से वीडियो को रिकॉर्ड कर लेना है। एंड अगर आप लोग को थोड़ी भी कंफ्यूजन होती है वीडियो देखने में या फिर बनाने में तो सिंपली यार आप लोग वीडियो को मेरे डाउनलोड कर लिया करो एंड उसको इजिली आप लोग प्ले पॉज करके आराम से देख लिया करो। तो किस तरह से ये वीडियो बनेगा वो मैं अब आप लोग को दिखा देता हूँ। तो यार ये थे आज के तीन मोबाइल फोटोग्राफी एंड दो वीडियोग्राफी टिप्स। इन पांचों में से आपका फेवरेट पोज कौन सा था मुझे आप लोग अभी कमेंट करके जरूर बताना। एंड जैसा कि मैंने वीडियो के बीच में आप लोग को बहुत सारा प्रीसेट दे रखा था तो वो सारा प्रीसेट अगर आप लोग को डाउनलोड करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से जाके आप लोग बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, कोई भी पैसा नहीं लगेगा। एंड क्या आप लोग को शॉर्ट वीडियोस में इंटरेस्ट है, अगर हाँ तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से जाके आप लोग मेरे शॉर्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वहां पर मैं डेली शॉर्ट वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। तो पसंद आए तो जरूर से वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। सो मैं मिलूंगा आपसे ऐसी किसी नई धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।